ये नेहा शौरी की तस्वीर है और नेहा इस वक्त हमारे बीच नहीं है। जिस वजह से उन्हें इस दुनिया से जाना पड़ा वो डरा देने वाला है और बचे हुए लोगों के लिए एक संदेश भी कि फैसले लेना आप पर भारी पड़ सकता है। नमस्ते, आप देख रहे हैं thelalantop.com। 29 मार्च का दिन था। ड्रग इंस्पेक्टर नेहा शौरी के लिए ये दिन कुछ खास था क्योंकि उनकी भतीजी पहली बार उनसे मिलने ऑफिस आई थी। ऑफिस के दूसरे दिनों की तरह सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था, लेकिन सुबह 11:40 पर एक व्यक्ति नेहा के ऑफिस में घुसा। वो फर्स्ट फ्लोर पर गया जहां नेहा का केबिन था, रिवॉल्वर निकाली और 38 साल की नेहा पर फायरिंग शुरू कर दी। पीजीआई चंडीगढ़ ले जाते समय नेहा शौरी की रास्ते में ही मौत हो गई। आरोपी ने खुद को गोली मार ली और अस्पताल में उसकी भी मौत हो गई। अधिकारी नेहा शौरी पंजाब के मोहाली और रोपड़ जिलों के लिए लाइसेंस का काम संभालती थी। शौरी चंडीगढ़ के पास खरड़ में दवा और खाद्य रासायनिक प्रयोगशाला में तैनात थी। शुक्रवार यानी 29 मार्च को मोरिंडा का रहने वाला आरोपी बलविंदर सिंह नेहा के ऑफिस में घुसता है और अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से नेहा को 3 गोलियां मार देता है। इसके बाद वो तेजी से नीचे आता है और पार्किंग की ओर भागता है जहां उसने अपनी बाइक खड़ी कर रखी थी। लैब अटेंडेंट सुरेश कुमार ने आरोपी का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। आरोपी ने पहले सुरेश पर फायरिंग करनी चाही लेकिन वो बाइक समेत रोड पर गिर गया। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। घटना के बाद नेहा को खरड़ के सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के आदेश दे दिए गए। गंभीर हालत में नेहा को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। द ट्रिब्यून अखबार में छपी एक खबर के मुताबिक आरोपी ने जिस वक्त नेहा शौरी को गोली मारी उस वक्त कमरे में उनकी 4 साल की भतीजी भी मौजूद थी। इस घटना के बाद बच्ची को गहरा सदमा लगा और वो नहीं समझ पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है। नेहा के कलीग्स ने बताया कि नेहा की भतीजी पहली बार ऑफिस आई थी। परिवार के घटनास्थल पर पहुंचने तक नेहा के साथियों ने ही बच्ची की देखभाल की। पुलिस ने बताया कि आरोपी बलविंदर सिंह मोरिंडा में दवा की दुकान चलाता था। 2009 में नेहा ने उसकी दुकान पर छापा मारा और कथित रूप से बलविंदर की दुकान से नशीली दवाएं बरामद हुई। इसके बाद नेहा ने उसकी दुकान की दवा का लाइसेंस रद्द कर दिया। मामला 10 साल पुराना है लेकिन पुलिस को शक था कि लाइसेंस रद्द करने की वजह से नेहा की हत्या की गई होगी। बताया गया कि मेडिकल स्टोर का लाइसेंस कैंसिल होने के बाद आरोपी एक अस्पताल में काम करने लगा था और उसने अपना भी एक अस्पताल खोल लिया, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर नेहा ने उसे भी बंद करवा दिया। सब कुछ तबाह होने के बाद आरोपी बलविंदर किसी अस्पताल में प्राइवेट नौकरी करने चला गया और इसलिए उसने बदला लेने की मंशा से नेहा शौरी की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने इस हत्या का खुलासा नहीं किया है, जाँच चल रही है और तथ्य अभी खुलने बाकी हैं। स्टेट ड्रग कंट्रोलर प्रदीप महतो ने कहा, नेहा की हत्या के आरोपी बलविंदर सिंह को 2005 में दवा की दुकान चलाने के लिए लाइसेंस मिला था। यह लाइसेंस 2010 तक वैलिड था। रोपड़ की ड्रग इंस्पेक्टर नेहा शौरी ने 2008 में उनकी शॉप में रेड डाली और नशीली दवाएं बरामद की थी। उसके बाद उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता को अधिकारी नेहा शौरी की हत्या के मामले में जल्दी से जल्दी जांच करने के आदेश दे दिए हैं। नेहा शौरी की 2 साल की बच्ची हैं। उनके पति वरुण मोंगा एक बैंक में काम करते हैं। उनकी भतीजी इसलिए उनके ऑफिस आई थी क्योंकि इस समय स्कूल बंद हैं। नेहा की हत्या के आरोपी बलविंदर सिंह के परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटियाँ और 1 बेटा है। इस मामले में आगे क्या होता है ये हम आपको बताते रहेंगे। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए thelalantop.com। शुक्रिया।